हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, रोज रैपिड रिवीजन की सीरीज चल रही है और हाँ, इस सीरीज का आज का जो बिट है वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आज हम लोग फटाक से पूरा रैपिड फायर तरीके से पूरे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और उसके अडेप्टेशंस को कवर कर लेंगे बच्चों। और जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलते हैं बच्चों सबसे पहले एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की ओर। क्या बोल रहा हूं मैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना? पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना? तो एजेंट्स मतलब बच्चों ये वो होते हैं, ये वो फैक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, पॉलिनेशन का काम करेंगे। तो ये फैक्टर्स में दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं बच्चों ऐसे। सबसे पहले तो होते हैं ए बायोटिक और दूसरे होंगे बायोटिक। कौन से होंगे बच्चों? बायोटिक। ओके, ए बायोटिक एंड बायोटिक, है ना? अब ए बायोटिक्स में बच्चों दो टाइप्स होते हैं। ओके, एनेमोफिली और हाइड्रोफिली, है ना बच्चों? हाइड्रोफिली फटाक से होने वाला है तो टेंशन नहीं है बच्चों, ठीक है? ज्यादा मतलब ऐसे डेप्थ में नहीं घुसेंगे, फटाक से जो है वो रिवीजन फास्ट करेंगे, ठीक है? तो हाइड्रोफिली एंड एनेमोफिली। तो बायोटिक्स में बच्चों तीन रहते हैं, है ना? कितने रहते हैं भाई? तीन रहते हैं। सबसे पहले एंटोमोफिली। अब ये क्या होता है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, टेंशन मतलब। एंटोमोफिली के बाद में ऑर्निथोफिली और लास्ट में बच्चों कायरोटेरोफिली। ओके, ये है, याद कैसे रखेंगे? AHEOC मतलब A फॉर एनिमोफिली, H फॉर हाइड्रोफिली, E फॉर एंटोमोफिली, O फॉर ऑर्निथोफिली और लास्ट में C फॉर कायरोप्टेरोफिली। ये सब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। अब एक एक करके देखते हैं बच्चों कि ये एजेंट्स और उनके अडेप्टेशंस क्या है। तो सबसे पहले बच्चा मेरा एनिमोफिली क्या है? एनेमोफिली सभी एनीमे देखते हैं ना, तो एनीमे से एनेमो याद रखना। तो जब भी पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड होगा बच्चों, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, इसको एनेमोफिलस बोलेंगे, ठीक है? ऐसे प्लांट्स को एनेमोफिलस प्लांट बोलेंगे। इनकी खासियत क्या होती है बच्चों? देखो, सबसे पहले इनको स्मॉल फ्लावर्स रहते हैं इनके पास में, ठीक है? स्मॉल फ्लावर्स जरूरी नहीं है ना बच्चों, क्योंकि बड़े फ्लावर्स बना के किसी को बुलाना थोड़ी, किसी को निमंत्रण नहीं देना है। तो स्मॉल फ्लावर रहेंगे, ज्यादा पोलन ग्रेन्स रहेंगे बच्चों। क्या? लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इनके पोलन ग्रेन्स बनेंगे। उसके बाद इनकॉन्स्पिकस फ्लावर। ओके, याद रखना है बच्चों इनको नेक्टर की जरूरत नहीं है, तो नो नेक्टर। क्या याद रखोगे भाई? नो नेक्टर। उसके बाद स्मेल की कोई जरूरत नहीं है, तो नो फ्रेग्रेंस। कोई भी टाइप के सेंट या फिर मधुर स्मेल इन फ्लावर्स में नहीं होगी बच्चों, ठीक है? लार्ज पोलन ग्रेन्स इसलिए ताकि श्योरिटी बढ़ जाए, मेक श्योर कर सके प्लांट की पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है? कुछ वेस्ट भी हो गए तो कुछ तो कर ही देंगे पॉलिनेशन। उसके बाद में नो फ्रेग्रेंस हो गया बच्चों, नेक्टर नहीं है, फ्लावर कलरफुल नहीं है, तो मतलब नो कलरफुल फ्लावर्स, सिंपल सोबर फ्लावर्स होंगे बच्चों, ठीक है? याद रखना, ठीक है? सिंपल सोबर फ्लावर या फिर नो कलरफुल फ्लावर्स, ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, हल्के पोलन ग्रेन्स मतलब एरोडायनामिक पोलन ग्रेन्स। अगर कोई चीज हवा में उड़ ही नहीं सकती तो वो फैल कैसे सकती है कि नहीं?
तो ये सब आप लोग ने याद रखना है भाई कि इनके पोलन ग्रेन्स का एडेप्टेशन इन फ्लावर्स का एडेप्टेशन इस तरह से हुआ रहता है। शायद आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा एनेमोफिलस फ्लावर, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है बच्चों लेकिन अपन कवर कर ही लेंगे। अब देखेंगे हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिली, ओके है ना, हाइड्रोफिली। जनरल स्टेटमेंट्स बच्चों अपने को याद रखना है। सबसे पहले ये होते हैं अनवेटेबल, इनके फ्लावर्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? फ्लोरल पार्ट्स अनवेटेबल, तो सिंपल मैं लिख देता हूं ये वाटरप्रूफ। अनवेटेबल लिखने से अच्छा वाटरप्रूफ पूरा ही लिख देंगे ना साथ में, वाटरप्रूफ फ्लोरल पार्ट्स, ओके वाटरप्रूफ फ्लोरल पार्ट्स, ओके वाटरप्रूफ फ्लोरल पार्ट्स। डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब डेंसिटी कंट्रोल हो सकती है बच्चों इनकी, ठीक है, डेंसिटी कंट्रोल हो सकती है इनके पोलन ग्रेन्स की। तो अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स, अनवेटेबल वेटेबल, ठीक है, अनवेटेबल पोलन ग्रेन्स, ओके याद रखो, सेम नो नेक्टर, ओके नो नेक्टर, नो फ्रेग्रेंस, पानी में कहां से फ्रेग्रेंस आएंगी बच्चों? तो नो फ्रेग्रेंस है ना, ओके okay. अब डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस और बीनीथ द सरफेस, दे दिस पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन सरफेस के थ्रू जा रहा है जैसे वैलिसनेरिया, और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पोलन ग्रेन वाटर सरफेस के नीचे से जाएगा बच्चों। कहाँ से जाएगा? पोलन ग्रेन वाटर सरफेस के नीचे से जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जोस्टेरा, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स याद रखना। और ये है हमारा हाइड्रोफिली। अगला रैपिड फायर आएगा बच्चों एंटोमोफिली। क्या है बच्चों एंटोमोफिली? मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमो फीली है कि नहीं? किसकी मदद से? इंसेक्ट्स। किसकी मदद से भाई? इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या आएंगे? हनी बी, बटरफ्लाई है कि नहीं? बटरफ्लाई, उड़ता हुआ मक्खन है कि नहीं? बटरफ्लाई हनी बी इसकी मदद से होने वाला, इसको कहेंगे हम लोग एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली का याद रखना बच्चों कलरफुल फ्लावर्स। क्या लिखेंगे भाई? कलरफुल, कलरफुल फ्लावर्स है ना, इंसेक्ट्स को कलर्स अच्छे दिखते होंगे ना, इसलिए फ्लावर्स कलरफुल है। उसके बाद बहुत सारा नेक्टर है, इंसेक्ट आएंगे क्यों? कुछ खाने के लिए आएंगे ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, ठीक है। अब इंसेक्ट्स की स्मेल की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से अडेप्ट होते हैं बच्चों, तो फ्लावर भी बोलेंगे मेरे पास स्मेल है, मेरे को सब आता है, ठीक है। तो सिंपल वो क्या करेंगे भाई? फ्रेग्रेंट फ्लावर होंगे। कैसे होंगे बच्चों? फ्रेग्रेंट फ्लावर है ना, अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करने वाले फ्लावर होंगे, फ्रेग्रेंट फ्लावर होंगे बच्चा लोग, समझ में आया ना, फ्रेग्रेंट फ्लावर। उसके बाद मैं बोलूंगा फ्लावर्स की साइज, फ्लावर के पास कुछ कुछ तो मैकेनिज्म होंगे, सम फ्लावर में हैव लेवर मैकेनिज्म, सम फ्लावर विथ मैकेनिज्म्स, ठीक है। जैसे इसमें इंसेक्ट एंटर करेगा वैसे ही पोलन, अच्छा अपना जो स्टैमेन है बाहर की तरफ आ जाएगा, ताकि पोलन ग्रेन इंसेक्ट्स को जल्दी से दिए जा सके। तो ये होते हैं बच्चों एडेप्टेशंस ऑफ अपने फ्लावर्स के, कौन से? एंटोमोफिलस फ्लावर्स के, ठीक है। अब अगला वाला है बच्चों ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, कौन से? ऑर्निथोफिलस या फिर ऑर्निथोफिली, और नहीं तो फी ली, ओके ऑर्निथोफिली। ये क्या होता है भाई? पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, इसकी मदद से बच्चों, ऑर्निथोस मतलब बर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ऑर्निथोफिली मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। इसमें क्या होते हैं भाई? लार्ज फ्लावर होते हैं बच्चों, क्या? लार्ज फ्लावर, ठीक है,
अब बर्ड्स की सूंघने की शक्ति इतनी खास नहीं होती है, तो ज्यादा फ्रेग्रेंस इन फ्लावर्स में नहीं रहेगा, तो लेस फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, क्या लेस फ्रेग्रेंस है ना। लेकिन भाई कीड़ अपने बर्ड्स को बहुत ज्यादा नेक्टर चाहिए, तो फ्लैश हाई नेक्टर, क्या हाई अमाउंट ऑफ नेक्टर है ना बच्चों, है ना। लार्ज होने से क्या होगा, ये आराम से इन जो बर्ड्स है इसके अंदर एंटर कर पाएंगे, और नेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बर्ड्स की क्षुधा, जिसको हम बोलते हैं बर्ड्स की भूख, जो है शांत हो जाएगी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं बच्चों, पुअर सेंस ऑफ स्मेल की वजह से बर्ड्स का ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे और स्पाइनी होंगे, ठीक है, स्टिकी एंड स्पाइनी पोलन ग्रेन्स, ओके, स्पाइनी पोलन ग्रेन्स। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो भाई वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है अभी, लेकिन हाँ कोई इशू नहीं है, पूरा सीख लेंगे। लास्ट वाला है काइरोप्टेरोफिली, क्या है बच्चों, काइरोप्टेरोफिली, ओके, काइरोप्टेरोफिली, ये होता है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ क्या भाई, बैट्स, किसकी मदद से, बर्ड्स की मदद से। तो देवी और सज्जनों, बर्ड्स की मदद से होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, हाय क्या कहते हैं, काइरोप्टेरोफिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली। बच्चों याद रखना, इनके भी फ्लावर लार्ज होंगे, लार्ज फ्लावर्स है ना, लार्ज फ्लावर्स। फिर एक बात और याद रखना, फ्लैशी होंगे बच्चों, फ्लैशी फ्लावर्स, फ्लैशी होंगे, कैसे होंगे फ्लावर्स इनके, फ्लैशी, ब्लूम्स एट नाइट, मतलब कब खिलेंगे बच्चों, ब्लूम्स एट नाइट, ब्लूम्स एट नाइट। अब चमगादड़ों को बेकार की स्मेल ज्यादा अच्छी लगती है, तो याद रखना रॉटन स्मेल, कैसी होंगी इन फ्लावर की स्मेल, रॉटन स्मेल, ओके, फाउल स्मेल होंगी, ठीक है। और ये एडिबल पोलन ग्रेन्स, एक और याद रखो, इनके पोलन ग्रेन्स कैसे रहेंगे बच्चों, एडिबल पोलन ग्रेन्स, हम नहीं खा सकते लेकिन वो जरूर खा सकते हैं, एडिबल पोलन ग्रेन्स, ओके। और ये थे हमारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर RRR सीरीज का ये 5th या 6th एपिसोड है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में अगले वाले, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।